नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन और स्वराज की। इस वीडियो में हम आपको कुछ अनोखा ही दिखाने वाले हैं। ये माँ कामाख्या के धाम पर करहिया का दृश्य आप देख रहे हैं, जो फाइनल की चेतक प्रतियोगिता है। आप देख सकते हैं दर्शकों के चेहरे बता रहे हैं कि कितनी लचर व्यवस्था यहाँ पर इस कमेटी की है, और फील्ड की तो आप पूछे ही मत। दावे बड़े बड़े कई सालों से किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय पूर्व मंत्री जी को इस बात का कोई ध्यान ही नहीं दिला पा रहा है कि एक चेतक प्रतियोगिता के लिए बेहतरीन फील्ड कैसी तैयार की जाती है। लोग बस वाहवाही लूटने में है। क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं इन चेतक प्रतियोगिताओं में होनी चाहिए? आप देख सकते हैं जिसको यहाँ पर आप देखेंगे, वो रेस खत्म होने के बाद तौलिए से कोई अपनी गाड़ी को पोंछ रहा है, कोई अपने शरीर को पोंछ रहा है। क्या इसको आप उदाहरण के तौर पर लेंगे कि क्या यहाँ पर भीड़ ज्यादा थी, या यहाँ की लचर व्यवस्था जो फील्ड की थी उसको आप इसका सिंगल उदाहरण देंगे या मुख्य कारण मानेंगे? मुझे आप जरूर बताइएगा। विजेता को भी मैं दिखा रहा हूँ, ट्रॉफी काफी बड़ी कर दी गई, पर जिस प्रकार से व्यवस्थाएं यहाँ रहती थी और लचर होती जा रही है दिन पर दिन। फील्ड का ग्राफ बड़ा होते जा रहा है और जो फील्ड की व्यवस्थाएं हैं वो दिन पर दिन धूमिल होते हुए जा रही हैं। ये कृष्णा पांडे शाहपुर बिहार का घोड़ा है जो यहाँ पर प्रथम आया, और इस घोड़े पे घुड़सवारी सवार मेघू कर रहे थे। आगे अभी तो कहानी पूरी बाकी है जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ऐसा नहीं है कि मंत्री जी को अगर इन बातों पर गौर फरमाया जाए तो चीजें नहीं कराई जा सकती हैं। ये दूसरे विजेता रहे पंकज प्रधान, जो मऊ से थे, इस घोड़े पे घुड़सवारी कर रहे थे सवार शैलेश। तीसरे पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह का घोड़ा रहा जलदहा से, जिस पर टनमन सिंह घुड़सवारी कर रहे थे। प्रथम चक्र छूट चुका है। आप देख सकते हैं अजय सिंह साथ के घोड़े का रफ्तार सबसे पहले दिखा। दूसरे पर उधर प्रवीण सिंह के घोड़े के साथ वीरेंद्र सिंह दिखे। तीस बीच में मेघू सवार दिखे, पीछे पंकज प्रधान का घोड़ा दिखा। आधे चक्र की खेल की समाप्ति के बाद से ही सवार मेघू की चाल बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दी। ये ज्योति हुई फील्ड है और जिसमें आप पैदल नहीं चल सकते हैं, यहाँ पर घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है। नियम आपके तगड़े तगड़े रहेंगे और फील्ड की ऐसी व्यवस्था रहेगी जहाँ पैदल चलना दुश्वार है, और वहाँ पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता कराकर और ये कहेंगे कि ये दशकों पुरानी रेस है तो फिर ये किस काम की है? मुझे जरूर बताइएगा। कमेटी का अगर कोई सुन रहा होगा तो इन चीजों पे गौर फरमाइएगा कि क्या इस फील्ड को और बेहतर नहीं किया जा सकता है, या और बेहतर तरीके से इस फील्ड की सजावट नहीं की जा सकती है? क्या यहाँ पर अगर चार पलटे रोलर को चलवा दिया जाता तो फील्ड का नजारा ही कुछ और रहता? आप देख सकते हैं आगे निकलने वाले आगे निकल गए। सवार मेघू शाहपुर घोड़े से सबसे आगे निकल गए। दूसरे स्थान पर पंकज प्रधान का घोड़ा चलने लगा, जिस पे सवा शैलेश घुड़सवारी कर रहे थे। काफी दिनों के बाद मिले हैं आपको, इन चेतक प्रतियोगिताओं को हम दिखा रहे हैं। सवार हीरा भी तीसरे स्थान पे थे और प्रवीण सिंह के घोड़े के साथ वीरेंद्र सिंह चौथे स्थान पर थे। कुल राउंडों से दो दो घोड़ों को लिया गया और फाइनल में आप देख ही रहे हैं जो घोड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर इस फील्ड की रही। आगे चलने वाले घोड़े काफी अगर अच्छी चाल में चले हैं तो पीछे वाले बिगड़े इसी फील्ड में हैं। फील्ड को और टाइट जमीन रहनी चाहिए, थोड़ी सी नमी घोड़ों के लिए अच्छी बताई जाती है जो भी पुराने लोग हैं इन खेलों में। तो आप देख सकते हैं चक्र बढ़ता जा रहा है और घोड़े अपना अपना चक्र पूरा करते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन इस प्रकार की चेतक प्रतियोगिताओं पर दिन जहां ग्राफ गिर रहा है वैसे ही होना चाहिए? और एक ट्रेंड और चला है कि जो भी नामी मालिक हो उसका घोड़ा हो अगर थोड़ी सी भी कहीं गलती करता हो तो उन घोड़ों को फाउल कर दीजिए, तो आपकी चेतक प्रतियोगिताएं और बेहतर होंगी। ये सौदा काफी महंगा पड़ सकता है। आप देखिए, आप देख रहे हैं करहिया की रेस। आपको कैसी लगी माँ कामाख्या धाम पर ये रेस और ये चेतक प्रतियोगिता? आप हमें जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।